नेपाल क्रिकेट टीम जब से पहला मैच हारी है ना, तब से मैं बड़ा इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि नेपाल के ओपनर को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि ओपनर चेंज करना चाहिए, कुशल भुरतेल आसिफ शेख को बैटिंग नहीं करनी देनी चाहिए क्योंकि ये लोग फ्लॉप रहते हैं। और कहीं ना कहीं फैंस की बात भी जो है आप कह सकते हो कि सच है। नेपाल के ओपनर्स पिछले 2-3 महीने से ना, मतलब आप कह सकते हो जिस तरीके की इनिंग खेलनी चाहिए उस तरीके की इनिंग नहीं खेल रहे। और यह मैं सिर्फ छोटी मोटी मैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ। बड़े इवेंट से मेरा मतलब है ACC प्रीमियर कप जो गया था वो, और ये वर्ल्ड कप। और देखो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके रोहित पोडेल जो कप्तान है उनको सोचना चाहिए। अब देखो नेपाल क्रिकेट टीम के पास बस 3 मैचेस ही बाकी है, बांग्लादेश के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और नेपाल को ये मैचेस जीतना आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है नेपाल को तो ये 3 मैचेस जीतने होंगे। और 3 मैचेस जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। चलो मानता हूँ नेपाल के पास बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक है, मतलब आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप नहीं डाल सकते, आप कह सकते हो अच्छा ही है, यहाँ पे रन वगैरह डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन अविनाश बोरा थोड़ा बहुत जो है रन पिटवा देते हैं, जैसे कि लास्ट मैचेस में भी वो चीज़ें हुई थी। तो आप कह सकते हो एक्स्ट्रा मतलब आप कह सकते हो ऑर्डिनरी बॉलर्स मैं कहूँगा अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अगर काम किया जाए तो इसी बॉलर में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर एक थे संदीप लामिछाने, आप कह सकते थे कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था वर्ल्ड कप को लेके, बड़े इवेंट को खेलने को लेके, तो वो आप कह सकते हो उनके पास था। लेकिन संदीप लामिछाने को वीज़ा नहीं दिया गया, तो आप कह सकते हो कि आपको रन डिफेंड करना है और उसके लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रन, और ज़्यादा से ज़्यादा रन के लिए चाहिए आपको अच्छे ओपनर्स जो कि कुशल भुरतेल और आसिफ शेख अभी फिलहाल के लिए तो नहीं दिखा रहे। अगर आप कहो फिलहाल के लिए आसिफ शेख और कुशल भुरतेल ओपनिंग में अच्छा करें तो मैं कहूँगा भाई नहीं, क्योंकि ये आप कह सकते हो सीरीज़ में भी उतना अच्छा नहीं करे थे। एक ही मैच में शायद कुशल भुरतेल ने जो है 70 रन मारा था विंसवर्ड वाले सीरीज़ में, मैं बस वही गिनूंगा। उसके बाद कुशल भुरतेल फिर वही वाली चीज़ें फ्लॉप 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 फ्लॉप, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप रोहित पोडेल एक काम कर सकते हैं कि ओपनर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रख लो, मतलब कुशल मल्ला को या तो आप ओपनिंग कराओ, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर आप कुशल मल्ला को ओपनिंग नहीं कराते हो तो अनिल शाह को आप ओपनिंग कराओ। आपको दोनों में से एक कोई मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर बाय चांस मान लो, वैसे तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड कप के बीच में आप अपने ओपनिंग प्लेयर्स को चेंज करो, क्योंकि जो रिदम होता है वो टीम का बिगड़ जाता है, जो प्लानिंग होती है वो बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी फैन के डिमांड पर अगर रोहित पोडेल करना भी चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अनिल शाह को आप या तो आसिफ शेख के साथ बैटिंग कराओ या फिर आप भुरतेल के साथ बैटिंग कराओ, क्योंकि दोनों में से एक को जो है यहाँ पे ड्रॉप करना जरूरी है। अब वो ड्रॉप आप किसे करोगे ये आपके ऊपर डिसीजन है, क्योंकि दोनों ही नहीं चल रहे ओपनर में। और ओपनर नहीं चलने का सबसे बड़ा आप कह सकते हो भुगतान जो है ना नेपाल के मिडिल ऑर्डर को भुगतना पड़ता है। नेपाल के मिडिल ऑर्डर जो है उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब तक ये लोग आप कह सकते हो रन मारते मारते हैं तब तक जो और विकेटें गिर जाती है, मतलब जो गेम लास्ट तक जाना चाहिए मिडिल ऑर्डर तक, मतलब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज लास्ट तक खेलना चाहिए, वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्टार्टिंग से आके फिर लास्ट तक जाते जाते आउट हो जाते हैं। वो डिसएडवांटेज जो है नेपाल को हो रही है अभी फिलहाल के लिए, जिसको ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैचेस के लिए मैं कहूँगा कि अभी 4-5 दिन है रोहित पोडेल के हाथों में, आप चीज़ें ट्राई करके देखो आपके लिए क्या चीज़ें ट्राई कर रही है, ठीक है, आप प्लानिंग करो स्ट्रेटजी बनाओ उस हिसाब से आप मतलब कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ओपनर एज अ मतलब अभी फिलहाल के लिए चेंज नहीं भी करना है तो आप अपने खिलाड़ियों को ये इंस्ट्रक्शंस दो अपने ओपनर्स को कि भाई आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ कैप्टन आप अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो नहीं होगा। मोटिवेशन के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्लेयर के ऊपर आप छोड़ दो, कि मतलब एक मतलब डर होता है ना दिखाना कि अगर आप नहीं करते इस टूर्नामेंट में तो फिर अगले मैचेस में ड्रॉप या फिर अगले टूर्नामेंट के लिए ड्रॉप, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये थोड़ा डर ओपनर्स के मन में रहता है ना कि भाई अगर मैं अच्छा नहीं किया और ड्रॉप हो जाऊंगा टीम से तो नए लड़कों को चांसेस दिया जाएगा, तो फिर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ओपनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो। बाकी इसको लेकर आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और रात को इस चीज़ पे थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कुशल भुरतेल की बैटिंग वगैरह को लेकर।